जहां एक तरफ प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सतर्क है, तो वहीं जनपद सिद्धार्थनगर में अवैध अस्पतालों एवं झोला छाप डॉक्टरों की भरमार लगी हुई है, जो उपचार के नाम पर मोटी रकम लेकर झोपड़ी व गांव के चौराहों पर इलाज करते देखे जा सकते हैं। वहीं बता दें कि ये झोला छाप डॉक्टर इलाज के नाम पर इंसानों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ताज़ा मामला जोगिया थाना क्षेत्र के मनोहारी गाँव का है, जहाँ 26 वर्षीय गणेश की तबीयत खराब होने पर चिलैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत करौदा चौराहे पर अवैध रूप से क्लिनिक चला रहे झोला छाप डॉक्टर नल चौहान दरावियक का इलाज किया गया, जहां हालात बिगड़ने पर स्वयं झोला छाप डॉक्टर द्वारा जिले के सरकारी अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत हो गई। मौत होने पर मृतक को रास्ते में ही छोड़कर वह फरार हो गया। वहीं परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है। परिवार वालों के अनुसार मृतक गणेश को उल्टी व दस्त की शिकायत थी, जहां इलाज के लिए स्वयं दोपहिया वाहन से गया था और मृतक के परिवार में माता पिता के अतिरिक्त एक भाई व 7 माह की गर्भवती पत्नी भी है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के चौधरी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको विस्तार से। लड़का है, कैसे मरा, का मामला है भैया? पेड़ धरा लगी सजवा से, पेड़ धरा लगी तीन मरतबा गईला है, तो सुधरवा के सूच कर सुना तो कहना है कि बहन तक खिचड़ी बना और हम जाए दो तीन खुला दवा ले आई और कुटवाटी की जा इन गईला भागल मोटरसाइकिल अभी नहीं बा मोटरसाइकिल से गईला दवाई आना अब के जाने कौन सुई कौन दवा देना है कि वही गाज वज फेंक लग अपने साधन से लेके जात रहना जिला पर क्यों घर के परिवार के पता ना आई बा जब वहाँ से दम टूट गई है तब कहो लगे फोन कैला है कौन डॉक्टर रहे कहाँ रहे इनल डॉक्टर हैं चौहान चौहान वहाँ करोना रहा था ये बभनी उनका मकान बात और यहाँ रहे सिकरी के थाने वही डॉक्टर है कि झोला छाप डॉक्टर डॉक्टर बनल आटा जानता टी डॉक्टर हूँ हाँ का भय रहा कैसे की भय पेड़ जड़ तरह लोन का हर का बोल का कहा तब माई रे आ वो पकला लिया खा ले तो अपने डबा जा रहा था काली बाव जा दूं फरक दवाई ले ले आयो तो खाने वाले तो नहीं खिचड़ी चाहे गोलाती बनाए हम जाए दवा ये चौराहा पर ते ले आई तो खा ले अब हमारे खेतों में रह ली जब खेतवा से आई तब कहा पता चल कि उनका तबियत खराब हो गया ले गया ना होगा बस हमारे हक हो गए कैसे ना होगा का हो गया तब कहा पटक कौन दवाई के तो दिन फोन आए क्यों निस्पार हो गई है कौन डॉक्टर रहे कौन के दवाई देत रहा उतने को कहो इनल ना हो कहां पे प्रेजेंट कहां बैठल है कोरोना बैठल तो अब तो आपके बच्चे की मौत हो गई अब का चाहत हो आप लोग अब जौन सरकार के निगाह में आवे तो उनकरा हम हमरे विपत के मारल हम को थाने शिकायत की हूं कुछ नहीं कहले बिनता मार पर ना जात हमरे रोने को कुछ नहीं एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज करने से उसकी मौत हो गई सर इस पे क्या कहेंगे देखिए प्रकरण मीडिया के थ्रू ही मेरे संज्ञान में आया है और ये शायद सुबह 11 बजे के आसपास की बात है और इसमें देखिए चिकित्सक जो भी था वो हम लोगों के संज्ञान में नहीं था वो कोई चिकित्सालय खोल कर चिकित्सा अभ्यास नहीं कर रहा था वो कहीं भी बैठते इस तरह कहीं बैठ करता है और इस तरह का कोई जो हम लोगों ने इस तरह का सर्वे भी कराया था तो ये डॉक्टर हमारे संज्ञान में नहीं आया था हमारी लिस्ट में नहीं था रजिस्ट्रेशन होने तो बहुत दूर की बात है किसी भी तरह के मतलब झोला छाप चिकित्सकों में या जो रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं उनमें भी ये किसी भी लिस्ट में नहीं था तो इस तरह का प्रकरण आया है बहुत ही दुखद है और घर वालों के लिए भी और समाज के लिए भी हम लोग और हम लोग के जो नैतिक कर्तव्य है उसके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है इस तरह के काम इनको रोक पाना थोड़ा सा जब तक पब्लिक का हमें सहयोग नहीं मिलेगा तब तक थोड़ा सा कठिन रहेगा क्योंकि अगर कोई भी आदमी अगर किसी पेड़ के नीचे बैठ के इलाज करना शुरू कर देता है हम नहीं उसे ढूंढ पाएंगे उसे पब्लिक ही पहले जाएगी उसके पास उसे ढूंढेगी तो मेरा कहना है भाई ये दुखद तो है इस पर विधेयक पर कार्रवाई तो की ही जाएगी पुलिस अपना काम करेगी और हम भी उसमें पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे कि इस तरह के काम कोई भी गैर कानूनी तरीके से बिना किसी डिग्री के वैध डिग्री के बिना रजिस्ट्रेशन के ना करे जाएं और पब्लिक से भी अपील रहेगी कि इस तरह के चिकित्सकों के पास मतलब इलाज के लिए कम से कम ना जाए सर लोगों का कहना कि कुछ दिन पहले उस दुकान पे एक मतलब जांच की गई थी उसके उपरांत दुकान बंद हो गई थी फिर चालू हो गई
ये मेरे संज्ञान में नहीं है, हो सकता है ये एरिया जोगिया थाने में लगता है और जोगिया बीएससी के इंचार्ज को ये बात बताओ कि मेरी इस मामले में कोई बात नहीं थी, कभी पुरानी जांच हुई इसके खिलाफ या कोई शिकायत आई है? मेरे भी मतलब इस तरह के संज्ञान में नहीं है कि कोई शिकायत पुरानी आई है सर।